बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों एक सवाल की चर्चा हर तरफ हो रही है। विपक्ष में सबसे ज्यादा मजबूत और एकजुट रहने वाली राष्ट्रीय जनता दल जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आई तो उसे क्या हो गया। दरअसल ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, और इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के भीतर की स्थिति दिख रही है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आने के बाद लगातार जो RJD की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। सबसे पहले RJD कोटे के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बता दें आपको कि बाहुबली अनंत सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले कार्तिक कुमार ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो स्थिति इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के भीतर दिखती हुई नजर आ रही है उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब से नीतीश कुमार के साथ RJD सत्ता में आई है, जब से RJD ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से भले ही बिहार के अंदर एक मजबूत सरकार के तौर पर इसे देखा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और इन दिनों जिस तरीके से चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि जगदानंद सिंह खासा नाराज चल रहे हैं RJD के भीतर, वजह साफ तौर पर दिखाई दे सकती है कि जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं सुधाकर सिंह, जो कि बिहार के कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और नीतीश कुमार से जिस तरीके से नोकझोंक होती हुई नजर आई सुधाकर सिंह की, उसके बाद ये यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है इस वक्त। कार्तिक सिंह का इस्तीफा, उसके बाद जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का इस्तीफा, इन दोनों मामलों में नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों से समझौता नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार कार्तिक सिंह के मसले पर दागी वाली इमेज को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे, तो वही कैबिनेट की बैठक के दौरान खुद से भिड़ने वाले मंत्री सुधाकर सिंह को भी आखिरकार चलता करवा ही दिया। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस A to Z वाली फॉर्मूले की बात कही थी, और वे जहां उपचुनाव होते होते तेजस्वी अपने साथ भूमिहार वोटरों को लाने में सफल दिखे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इसी समीकरण को अनंत सिंह और कार्तिक सिंह के बहाने साध दिया। वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह, जो लालू यादव के सबसे बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर जिनकी पहचान होती है, लालू यादव खुद अपने बेटे तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह के ऊपर ज्यादा तरजीह नहीं देते नजर आए। उन्हीं जगदानंद सिंह को अब पार्टी में अगर हाथ पर लगा दिया गया है तो इसके पीछे भी नीतीश कुमार की वजह मानी जा रही। नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर यह चर्चा हो रही है कि नीतीश ही अब RJD के अंदर के फैसले ले रहे। RJD के अंदर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से जगदानंद सिंह की दूरी ऐसे बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार की राजनीतिक झप्पी का ही असर है कि जगदा बाबू आज लालू यादव से दूर हो चुके हैं और नीतीश तेजस्वी के हर फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब सुधाकर सिंह के मामले में तो कम से कम ये कहा ही जा सकता है। वही जगदा बाबू के साथ साथ अनंत सिंह को एक झटका पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से दिलवा चुके हैं, लेकिन अब अनंत सिंह के लिए दूसरे झटके की बारी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब तक RJD ने अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं की। हालांकि इस सीट पर RJD की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी की उम्मीदवारी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही। ऐसे में नया सवाल ये है कि क्या वाकई नीतीश इस बार भी RJD के अंदरूनी फैसले पर अपनी मुहर लगा पाएंगे? क्या अनंत सिंह के पाले में RJD का टिकट नहीं जाएगा और तेजस्वी और लालू नीतीश के मुताबिक वहां से उम्मीदवार में बदलाव कर सकते हैं? वहीं अगर ऐसा होता है तो वाकई नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक शैली से लालू यादव और तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल हिप्नोटाइज करने में सफल माने जाएंगे। नीतीश की राजनीति का अंदाज भी यही रहा है। BJP के साथ रहते हुए उन्होंने यही किया और अब लालू और उनकी पार्टी के साथ भी नीतीश उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।